मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को 24/7 अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र से लेकर छठ तक का त्योहारी सीजन उल्लास और उमंग का समय है, लेकिन इसके साथ ही सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई अप्रिय घटना न हो। कार्य योजना बनाकर बीट सिपाही से लेकर चौकी, थाना, जिला, रेंज, जोन और मंडलों में तैनात हर अधिकारी फील्ड में उतरकर इसका प्रयास करें। सीएम योगी ने देर रात अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डीएम और पुलिस कप्तानों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में लाखों लोग आज महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में हजरतगंज स्थित गांधी आश्रम पहुंचे, जहां सीएम ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम ने चरखा चलाया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। साथ ही योगी सरकार ने स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार काम करने वाले सफाई मित्रों समेत अन्य लोगों को स्वच्छता ही सेवा अवार्ड से सम्मानित किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सुरक्षा को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति ये बन गई है कि पुलिस से निराश नागरिक अब खुद पहरा देने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था धीरे धीरे पटरी से उतरती जा रही है और पुलिस की स्थिति ये हो रही है कि किसी की सुनवाई नहीं कर रही है। इसी मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा, यूपी की पुलिस के पास अब वसूली के अलावा और कोई काम नहीं बचा। राजधानी लखनऊ में विजिलेंस डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां सुबह जल निगम के 5 अफसरों के घर अचानक से विजिलेंस टीम की छापेमारी कर दी गई। इसके खिलाफ कुछ समय पहले ही आय अधिक संपत्ति के मामले में FIR दर्ज की गई थी। जिन्हें लोगों के यहां ये छापेमारी हुई वो अधिकारी जल निगम की CNDS इकाई में कार्यरत रहे हैं। विजिलेंस की ये छापेमारी 8 घंटे तक चली। मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है। इस मामले में अब तक 11 केस दर्ज किए गए हैं। लखनऊ में शहदों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो स्कूटी पर जा रही युवतियों से भी गंदी हरकतें करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार स्कूटी पर जा रही युवती को बैड टच करता दिखाई दे रहा है। युवती ने इस मामले की शिकायत पुलिस से कर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं वीडियो वायरल होने पर आम लोगों ने लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। पिछले साल 20 मई को कार हादसे में 28 वर्षीय पूजा यादव की मौत के मामले में चिनहट पुलिस ने पूजा यादव हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया। मामले में उसके ससुर, पति, उसके साथियों संघ ने साजिशन पूजा यादव की हत्या की। हत्या को हादसे का रूप देने के लिए कार से मटियारी चौराहे पर कुचल कर पूजा को मौत के घाट उतार दिया गया। पूजा के नाम 50 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी और 10 लाख का लोन कराया गया था। इसके अलावा 2 कार और 2 बाइक फाइनेंस कराई गई। इस पूरी प्रॉपर्टी और रकम को हड़पने के लिए पूजा की हत्या की साजिश रची गई। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने सपा प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सपा 2 सीटें कांग्रेस को दे सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। जानकारी के मुताबिक कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम को टिकट मिलेगा। तो वहीं मझवा से रमेश बिंद के बेटे ज्योति लड़ेंगे चुनाव। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के लोहसाने रोड पर मामूली विवाद पर महिलाओं में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों महिलाओं में जमकर मारपीट होने लगी। पहली महिला ने दूसरी महिला का बाल पकड़ लिया और जमकर पीटा। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं का चालान कर दिया। हापुड़ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार युवक हाईवे पर स्टंट करता दिख रहा है। युवक हाईवे पर जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहा है। बाइक पर चल रहा युवक दोनों हाथ छोड़कर फुल स्पीड में बाइक चला रहा है और दोनों पैर एक तरफ करके बैठा है। स्टंट करते इस युवक का वीडियो कार सवार लोगों ने बनाकर वायरल कर दिया। बहराइच में तेंदुए और भेड़िए का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद प्रशासन अब तक न भेड़िए को पकड़ पाया और न ही आतंक फैला रहे तेंदुए को। आपको बता दें कि बहराइच के करदनिया घाट के सुजौली रेंज के तेंदुए ने कल एक बुजुर्ग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजड़ा लगाने की मांग की है। पिछले 5 दिन में तेंदुए का ये दूसरा हमला है।